Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time being so serious. तुर्की विजिट का प्लान हमारा इस तरह से बना कि छोटे भाई को जब नारान कागान की विजिट करवाई तो उसके एक्साइटमेंट लेवल को देख के हमने ये फैसला किया कि हम दोनों साथ तुर्की की विजिट करेंगे। तुर्की की विजिट के लिए सबसे पहली बात जो हमें चाहिए थी वो मेरा वीज़ा था। छोटे भाई को तो वीज़े की ज़रूरत नहीं थी, उसको ऑनलाइन या ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता था, लेकिन मुझे वीज़े की ज़रूरत थी। तो वीज़े के लिए जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, सबसे पहले पासपोर्ट चाहिए जिसमें कम अज़ कम वैलिडिटी 6 माह की हो, और इस पासपोर्ट के अलावा आपको चाहिए होगा एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि ऑनलाइन डाउनलोड होगा, और वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर जो कि आप लिखेंगे। इसके अलावा फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, फ़ोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के साथ होने चाहिए, FRC चाहिए, इसके अलावा NOC लेटर चाहिए अगर आप सर्विंग हैं तो, और 3 महीने की पे स्लिप्स भी चाहिए। और इसके अलावा आपको अगर बिजनेसमैन हैं तो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, और इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की चाहिए होगी, और बैंक का अकाउंट मेंटेनेंस लेटर भी आपको चाहिए होगा, और इसके अलावा आपको टैक्स रिटर्न्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, और इसके अलावा आपको होटल बुकिंग चाहिए होगी और फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए होगी और पोलियो का सर्टिफिकेट, और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस भी। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप एनातोलिया के दफ्तर चले जाएंगे। एनातोलिया का दफ्तर जो कि इस्लामाबाद में है, आप ये डॉक्यूमेंट जाके जमा कराएंगे। जमा कराने के बाद आप फिर सरप्राइज्ड होंगे कि पता नहीं अब क्या बनता है, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको एक मैसेज आता है एनातोलिया की तरफ से कि आप आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। पासपोर्ट कलेक्शन की उस मैसेज के बाद ज़ाहिर है आप दौड़ते दौड़ते जाते हैं, और जाके वहाँ आपको पता चलता है कि आपको थोड़ा वेट करना होगा अपनी बारी का। और मैंने भी ऐसे किया, और थोड़ी देर बाद जब मुझे पता चला कि मेरे सामने जो 2 लाइन में और बंदे लगे हुए हैं उन दोनों का रिजेक्ट हो गया, तो मुझे भी लगा शायद मुझे भी नहीं मिलेगा वीज़ा। लेकिन जब मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले तो मुझे पता चला कि मेरा वीज़ा लग चुका है और मैं वहीं ऑफिस से ही हूँ। मेंशन करना ज़रूरी है कि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई भाई, जिसकी वजह से नहीं जा सका। भाई ने वापस जाना था, फिर मुझे अकेले ही तुर्की ट्रैवल करना पड़ा। तो बाकी कहानी आपके सामने है। हम लोग एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट से तकसीम सिक्योर के लिए बस मिल जाती है, और हमने बस पकड़ी तकसीम सिक्योर पहुंचने के लिए। तकसीम सिक्योर जाके ही हमने अपने होटल में पहुँचना था। जी तो जनाब, मैं अपने रूम में पहुंच चुका हूं। कॉम्पैक्ट किस्म का छोटा सा कमरा बना हुआ है, लेकिन बड़ा कन्वीनियंट है, खूबसूरत है। छोटे छोटे बेड हैं 2 इसके अंदर, और ज़्यादा रेट नहीं है, बहुत अच्छा मिल गया है मुझे। ये तकसीम स्क्वायर पे ही है जो मेन सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ से सारी चीज़ें एक्सेस में हैं देखने के लिए, और बड़ा ज़बरदस्त मिल गया है रूम। रूम की आपको एक लुक दिखाता हूँ, ये देखिए। बेड और ये गीजर वीजर भी लगा हुआ, बाहर ज़रा बैठने की जगह भी है, गैलरी, एयर कंडीशन, होटल का रिसेप्शन है, उस तरफ दफ्तर भी है इनका इनसाइड, यहाँ से चाय वगैरह मिल जाती है अगर चाय या कॉफ़ी वगैरह लेनी हो तो, बैठ के सिगरेट पीने की जगह है। और रूम्स के लिए स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर। रात हो चुकी है और यहाँ तकरीबन रात के 9 बजे का टाइम है, और अभी तक रश बढ़ रहा है, काम नहीं हुआ। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तकसीम सिक्योर दोबारा। Thank you.
इस टाइम ज़्यादातर रश जो है वो फूड स्ट्रीट वाली साइड पे है। ये जो ट्रेन है, ये जो मॉस्क है, मॉस्क से ये साइड पे ट्रेन थी, ये सारे पीछे फूड स्ट्रीट है। हर किस्म का खाना मिल जाता है, तो मुझे तो पाकिस्तानी खाना भी मिला। और तकसीम स्क्वायर से ही बिग बस नाम से एक बस जाती है टूरिस्ट, जो कि आपको पूरा इस्तांबुल घुमाती है। आप उस बस पे बैठ के पूरा इस्तांबुल को देख सकते हैं। मैं इस बस में बैठ तो गया हूँ, खुली होने की वजह से काफ़ी सर्दी फील हो रही है। इस्तांबुल तुर्की का एक तारीखी शहर है, जो कि कल्चर और हिस्ट्री की वजह से टूरिज्म में काफ़ी मकाम रखता है। जो लोग इसको देखने के लिए आते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। ये पुराना होने के साथ साथ एक मॉडर्न सिटी भी है। काफ़ी तारीख़ी मसाजिद, म्यूज़ियम और बहुत सारे पुराने बाज़ार, जिनमें से एक ग्रैंड बाज़ार भी है, जो कि कई सदियों साल पुराना या दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल जिसको कहा जाता है, जिसमें 4000 से ज़्यादा दुकानें शामिल हैं। तुर्की में इस्तांबुल में मौजूद हैं ये चीज़ें। और इसके अलावा बॉस्फोरस, जिसका क्रूज़ स्पेशली टूरिज़म में अपना नाम रखता है, नाइट क्रूज़ और डे क्रूज़। क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ 6 रातें और 7 दिन मेरे पास थे, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं सिर्फ इस्तांबुल में ही ठहरूँगा। कैपाडोकिया और एनाटोलिया मैंने नहीं जाना, और इस्तांबुल में रह के ही जो एक्सप्लोर हो सकता है इन दिनों में वो करूँगा। तो उनमें से चंद चीज़ें डे बाय डे मैंने की। पहले दिन मैं तकसीम स्क्वायर से बिग बस में बैठ के हाया सोफिया और ब्लू मास्क देखने के लिए गया। काफ़ी अमेजिंग सी जगह थी, बहुत मज़ा आया। और इसके बाद वापसी पे दोबारा तकसीम स्क्वायर, क्योंकि मैं था ही तो नाइट में मैं निकल जाता था तकसीम स्क्वायर देखने के लिए। तकसीम स्क्वायर पे थोड़ा टाइम गुजार के फिर होटल से फिर अगली सुबह मैं ग्रैंड बाज़ार घूमने के लिए गया हूँ। वापस आके इवनिंग में मैंने नाइट बॉस्फोरस का क्रूज़ लिया, जो कि अपनी जगह एक अमेजिंग किस्म का एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट डे मैं प्रिंसेस आइसलैंड के लिए गया, जो कि डे बॉस्फोरस क्रूज़ भी है। प्रिंसेस आइसलैंड जो कि एक जज़ीरा नुमा बनाया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे कहने को लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे उन शहज़ादों को कैद किया जाता था जो कि बगावत, जिन पे बगावत का शक होता था। ये कैद खाना या ये जेल तसव्वुर किया जाता था, लेकिन आज वो भी काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। बॉस्फोरस ब्रिज काफ़ी ख़ूबसूरत जगह है, जहाँ पे आप खड़े होके उन लोगों को देख सकते हैं जो कि फ़िशिंग कर रहे हैं, और बॉस्फोरस पे आती जाती हुई कश्तियाँ या ये जो शिप्स हैं इंतहाई ख़ूबसूरत नज़ारा पेश करते हैं। Keep me company downtown before the clock runs out. मेरे पास 6 दिन थे। ये 6 दिन इस्तांबुल घूमने के लिए काफ़ी नहीं हैं। जो मेन जगहें थीं वो मैंने देखी। देखने के बाद मैंने ये प्लान किया कि अगर कभी फिर मौका मिला तो भाई के साथ मैं दोबारा आऊँगा। मैं इस वीडियो में इन जगहों को दोबारा नहीं दिखाऊंगा।
एक एक जगह पे अलग से वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे। अगर आपने कोई जगह आया सोफिया ब्लू मास्क ग्रैंड बाज़ार या आपने गलाटा टावर या तकसीम स्क्वायर कोई भी जगह देखनी है तो अलग से वीडियोस मौजूद हैं मेरे चैनल पे, वो आप देख सकते हैं। When it feels-